जब भी आपको निराशा घेरे, मतलब हर युवा को कम से कम 2-3 लोगों की जीवनी या बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए, अंबेडकर की जरूर पढ़नी चाहिए सर, पता चलेगा कि कितनी चुनौती आपको हो सकता है 1-2 चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो। उस आदमी की चारों तरफ चुनौतियां हैं, गांधी की जीवनी, भगत सिंह की बायोग्राफी, उससे होता यह है सर कि जब आप उनकी उनकी परिस्थितियों को देखते हो ना और उनसे खुद को कंपेयर करते हो, जैसे भगत सिंह, जैसे अंबेडकर जी लंदन में है, लाइब्रेरी में, खाने को पैसा नहीं है, लंच करने को पैसा नहीं है, दोपहर में जब सारे लोग लंच करने चले आते हैं तो वो लाइब्रेरी के मेज पे सर रखकर एक पैटीज जेब में रखे होते हैं उसको खाते हैं, फिर वहीं पानी पी के बैठ जाते हैं। एक दिन पकड़ गए तो लाइब्रेरियन ने कहा कि अब बस रेस्टिकेटेड, बाहर अंदर कैसे खाना खा रहे थे। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि साहब ऐसी ऐसी बात है, पहले नहीं बताया, पर्सनालिटी देखो सर, पहले जाके नहीं रोए कि साहब हम गरीब घर से ना, जब पकड़े गए तब बताया। और ये नहीं कहा हम गरीब हैं, कहा सर अभी कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है सर। और तब उस लंदन के लाइब्रेरियन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बैठने की परमिशन दूंगा, पर शर्त एक ही है कि तुम आज के बाद का लंच हमारे साथ करोगे। हर युवा को जीवनी और बायोग्राफी पढ़ने का शौक पालना चाहिए सर। उससे जब आप कंपेयर करते हो उस व्यक्ति का जीवन और अपना जीवन, तो या तो आपको बड़ा साहस मिलता है और या आपको ग्लानि होती है कि यार हमारे पापा हमको इतना सुविधा दे रखे हैं और हम कर क्या रहे हैं।